गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। आज आपके एनुअल एग्ज़ाम, साइंस के एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए आज चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से शुरू करेंगे और ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दिस इज योर चैप्टर वन और इसका आज फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। केवल और केवल हम लोग एग्जाम्स के लिए ही पढ़ेंगे। ओनली दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, वैसे क्वेश्चन की ही तैयारी करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो पहले जो बच्चों हैं कि वी विल जस्ट डील सम क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन, दैट इज चेंजेस, केमिकल चेंजेस से। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज योर विच एमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज, आर फिजिकल और केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें फिजिकल चेंज होगा, किसमें फिजिकल चेंज होगा और किसमें केमिकल चेंज। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन और ये चूंकि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, चेंजेस से। वी हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ चेंजेस, हमने दो तरह के चेंज के बारे में पढ़ा है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एंड यू ऑल्सो नो द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट इसमें है इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, दिस इज द क्वेश्चन। इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल किस तरह का चेंज है। सेकेंड इज बर्निंग ऑफ एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बर्निंग ऑफ एलपीजी, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड। An iron rod, too red hot. Next is curdling of milk, curdling of milk, curdling of milk, sublimation of solid ammonium chloride, sublimation of solid ammonium chloride, solid ammonium chloride, ammonium chloride. And next is fermentation of grapes. तो बच्चों ये क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल चेंज से। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा फिजिकल चेंज होगा और कौन केमिकल चेंज होगा। इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, इवापोरेशन मतलब कि चेंजिंग दिस पेट्रोल इंटू लिक्विड पेट्रोल इंटू वेपर, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब पेट्रोल के केमिकल कंस्टिट्यूएंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ओनली पेट्रोल के स्टेट को बदला जाता है। तो पेट्रोल के स्टेट को बदला जा रहा है यहाँ पर, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, दैट इज वी आर चेंजिंग द स्टेट ऑफ पेट्रोल। द स्टेट चेंज आर फिजिकल चेंज, सो दिस इज व्हाट फिजिकल चेंज। ये क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज हो गया। ओके, नाउ बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग मतलब एलपीजी किस चीज का बना होता है। एलपीजी जनरली ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का ये मिक्सचर है, दैट इज हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इट इज
मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन अगर बर्न कर रहा है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन इफ बर्न्स, तो वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दैट इज एलपीजी कंटेन्स हाइड्रोकार्बन एंड इस हाइड्रोकार्बन का बर्निंग विल गिव सम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड वाटर. तो बर्निंग ऑफ एलपीजी में नया सब्सटेंस बनेगा बिकॉज एलपीजी इज हाइड्रोकार्बन एंड व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द एलपीजी में जो भी हाइड्रोकार्बन है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. तो बर्निंग ऑफ एलपीजी इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज, दिस इज अ केमिकल चेंज, दिस इज केमिकल चेंज. हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, मतलब आयरन आयरन ही रह जाता है, देयर इज नो चेंज बिकॉज आयरन रॉड को हीट करने पर वो रेड हॉट होता है. आयरन का कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट चेंज नहीं होता है, इट इज इरिवर्सिबल एंड सो दिस इज फिजिकल चेंज. ये भी क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज हो गए बाबू. अब कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क देखिए खट्टा हो जा रहा है, मतलब मिल्क अपने कंस्टिट्यूएंट को बदल दे रहा है. द कर्डलिंग ऑफ मिल्क इट इज डन बाई सम बैक्टीरिया एंड मिल्क चेंजेस इंटू एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड. तो इस तरह का जो रिएक्शन है मिल्क के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को चेंज करता है एंड दिस इज ए केमिकल चेंज. कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज. ओके, दिस इज केमिकल चेंज. सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन इज ऑल्सो ए स्टेट चेंज, दैट इज सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इंटू इट्स वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट. सॉलिड का कन्वर्सन हो रहा है वेपर में, गैसियस स्टेट में. सो सब्लिमेशन इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज ए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्टेट में बदलाव होता है इनके. सो वट इज सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज. एंड लास्ट वन इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स का फर्मेंटेशन क्या होता है, मीन्स ग्रेप फर्मेंट करते हैं, तो फर्मेंटेशन लार्जली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्कोहल. तो ये फर्मेंटेशन ग्रेप्स में क्या हो जाते हैं, ग्रेप फर्मेंट करके एल्कोहल में बदल जाता है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ केमिकल चेंज. फर्मेंटेशन इज ए केमिकल चेंज, ये हो गया आपका केमिकल चेंज. ओके, ये फिजिकल और केमिकल चेंज से आपके सवाल थे. तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि फिजिकल चेंज वैसे चेंजेस होते हैं विच आर इरिवर्सिबल इन नेचर इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इस तरह के चेंज फिजिकल होते हैं. जबकि केमिकल चेंज क्या होते हैं कि इनमें नए सब्सटेंस का बनना और ये इरिवर्सिबल होते हैं. तो इन सभी प्रॉपर्टीज को देखते हुए आप इस फिजिकल और केमिकल चेंज वाले पोर्शन को पर रिएक्ट करेंगे. तो इसमें कौन फिजिकल है कौन केमिकल है ये आपको समझ में आ गई. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर जो सवाल होंगे इसी तरह से होंगे. और कुछ अगर हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करें तो रेस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज, डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज. यू शुड नो दैट इज डाइजेशन में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्युबल फॉर्म्स. तो डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज. सो दीज ऑल आर केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और किसी चीज़ को गर्म किया गया तो रेड हॉट हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिकल चेंज वाले होंगे. सब्लिमेशन अगर कहीं जिक्र किया गया हो तो सब्लिमेशन इज ए फिजिकल चेंज. सो इस तरह से आप परिचित हो जाते हैं. फिजिकल और केमिकल चेंज से दिस इज, ये केवल इंट्रोडक्शन में है आपके बुक्स के, लेकिन कभी कभार इससे भी एक सवाल हो जाते हैं. सो वंस मोर, वंस यू प्रैक्टिस थ्रू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है. अब क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से. Now I am creating question, chemical reaction and equation.
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये क्वेश्चन है, फर्स्ट इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन वियेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर, रिएक्शन टेम्परेचर। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ए दैट इज, इसका क्या है, हाइड्रोजन लिक्विड प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन टेम्परेचर। ओके, हाइड्रोजन इसमें आपको सही सेलेक्ट करना है, हाइड्रोजन लिक्विड प्लस ऑक्सीजन लिक्विड गिव्स वाटर वेपर। ओके, सेकंड इज हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन इज लिक्विड गिव वाटर लिक्विड। थर्ड इज सी ऑप्शन इज H2 गैस प्लस हियर O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। एंड थर्ड इज फोर्थ इज योर हाइड्रोजन, ये हो गया गैस प्लस ऑक्सीजन इज गैस एंड दोनों के मिलने से 2H2O दिस इज गैस। इन चारों में आप किसको सही करेंगे? द क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन इज योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ये क्वेश्चन चल रहा है आपका। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से ये पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इनमें से किस केमिकल इक्वेशन में जो एब्रीविएशन ये दिए गए हैं, द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, दैट इज एब्रीविएशन हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर दिस इज नॉट ए लिक्विड, ये तो सही नहीं है। ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं है, यहां पर रिएक्शन टेम्परेचर पर कहा गया है, H2O रूम टेम्परेचर पर वेपर नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस, दिस इज राइट। ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर आपकी लिक्विड नहीं है और वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, बट दिस इज रॉन्ग। सारे में ये दो एब्रीविएशन आपके सही हैं, बट दिस इज नॉट राइट, इसमें तीनों अपने रॉन्ग स्टेप्स में। यहां देखिए, हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस, हाइड्रोजन गैस एंड वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दिस इज
करेक्ट। नाउ और हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, बट वाटर H2O इज नॉट गैस एट रूम टेम्परेचर, तो ये आपका गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ये आपके जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर आपके लिक्विड नहीं होते हैं, ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होता है, वाटर रूम टेम्परेचर पर गैस नहीं होता है। हाइड्रोजन हियर रूम टेम्परेचर पर गैस, ऑक्सीजन इज नॉट लिक्विड, यहाँ एल है, इट इज नॉट लिक्विड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन इन करेक्ट स्टेट। दिस इक्वेशन इज नॉट इन करेक्ट स्टेट, दिस इक्वेशन इज नॉट इन करेक्ट स्टेट, दिस इक्वेशन इज नॉट इन करेक्ट स्टेट। तो करेक्ट स्टेट में कौन है? सी इज इन करेक्ट स्टेट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका second question is question is this, for a given reaction, for a given reaction, for a given reaction, identify phi x y and z। जैसे रिएक्शन दिया गया है, हियर पोटासियम क्लोरेट 2KCLO3 इज इन सॉलिड स्टेट, इसको y क्या है, ये y, व्हाट इज y, 2KCl ये x प्लस O2Z। हियर यू हैव टू स्टेट द मेंशन फिजिकल स्टेट, जस्ट यहां पर हमने मेंशन किया है कि पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड है, ये आपको मेंशन करना है, यहां मेंशन करना है और यहां मेंशन करना है, इन दोनों के स्टेट्स को मेंशन करना है। इसमें से ऑप्शन चूज करना है आपको। फर्स्ट ये ऑप्शन कह रहा है कि x, ये जो x है, x इज इक्वल टू गैस, y इज इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन x गैस, यहां ऑप्शन a, x इज गैस, x इक्वल टू गैस, y इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन एंड z इक्वल टू गैस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, x इक्वल टू सॉलिड, y इक्वल टू लिक्विड एंड z इक्वल टू गैस, दिस इज गैस। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है, व्हाट इज सी, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, y इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन कंडीशन एंड z इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, z इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दिस इज द थर्ड ऑप्शन।
फोर्थ ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ KCLO3, फिजिकल स्टेट ऑफ KCLO3, वाई इक्वल टू रिएक्शन, एक्स इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ KCL, ओके, वाई इज इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन, कंडीशन एंड जेड इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ O2, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तीन चारों ऑप्शन में आपको कौन सही लग रहा है बच्चों? एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि X, Y और Z। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है X इज गैस, Y इज रिएक्शन कंडीशन, Z इज गैस। तो हम बच्चों जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में गैस है, तो ये तो यहाँ पर सही है, ओके। Y एरो के ऊपर जो भी होता है वो रिएक्शन कंडीशन ही होता है, ये भी आपका सही है। और X गैस, पोटासियम क्लोरेट इज, पोटासियम क्लोराइड इज नॉट ए गैस, इट इज ए सॉलिड, ओके। पोटासियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड होता है, बिकॉज इट इज सॉल्ट, पोटासियम एंड क्लोरीन, एंड सो इट इज इन सॉलिड स्टेट। सो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया आपका। सेकेंड इज एक्स इज अ सॉलिड, ये बात सही है, चूंकि ये सॉल्ट है पोटासियम क्लोराइड, दिस इज ट्रू। वाई इज लिक्विड, हियर एरो के ऊपर लिक्विड वगैरह नहीं, वाई क्यों, वाई आपका रिएक्शन कंडीशन ही है। और नेक्स्ट जेड इज गैस, दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू, तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया, ओके। नेक्स्ट इज एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCLO3, एक्स इधर तो हमेशा हम लोग फिजिकल स्टेट यूज रखते हैं, फिजिकल स्टेट यहाँ पर मेंशन किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, तो एक्स यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCLO3, जो कि बिल्कुल गलत है। वाई इक्वल टू क्या कहा जा रहा है, वाई, वाई रिएक्शन कंडीशन, दिस इज ट्रू। एंड नाउ जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इधर हमेशा फिजिकल स्टेट को हम रखते हैं, दिस इज रॉन्ग, तो ये भी हमारा इक्वेशन इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। चलिए डी में देखते हैं, एक्स को कहा जा रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ KCL, ओके, ये सही है, यहाँ पर फिजिकल स्टेट ही रहेगा। वाई रिएक्शन कंडीशन, ये भी बिल्कुल सही है। एंड जेड इज फिजिकल स्टेट ऑफ O2, दिस इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ओके। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, बहुत ज्यादा स्कोरिंग का वो टॉपिक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड, राइट केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन, टेकिंग प्लेस इन, ये ए है आयरन रिएक्ट, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, आयरन जब भाप से स्टीम से रिएक्ट करता है। सेकेंड, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड थर्ड इज
कॉपर क्या हो रहा है, इज हीटेड इन एयर, इज हीटेड इन एयर, कॉपर को हवा में हीट किया जा रहा है। तो हम लोग के साथ ये ओके तो बच्चों यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, इसके इस सभी के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। केमिकल इक्वेशन, वी आर गोइंग टू फॉर्म ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन ए, दैट इज ए का जो आंसर है यहां पर, ए क्या है, आयरन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एफ ए, रिएक्ट विथ स्टीम कह रहा है, एच टू ओ वेपर मतलब गैसियस स्टेट में बना रहा है, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, तो ये क्या बनता है, आयरन रिएक्ट करता है स्टीम से, तो वी दिस इज मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन 2-3 ऑक्साइड प्लस आपके बनते हैं वाटर, दैट इज हाइड्रोजन गैस, नो वाटर, दिस इज हाइड्रोजन गैस। आयरन आप सभी जानते हैं ये मेटल है, दिस इज इन सॉलिड स्टेट, हियर यू हैव 4 ऑक्सीजन, ओके मैक्सिमम नंबर जो एटम का है वो ऑक्सीजन का है, यहाँ 4 यूज करेंगे, 4 H2O, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन, सो यू यूज 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, एंड नाउ यू हैव 3 आयरन, द यूज 3 हियर, दिस इज सॉलिड। फर्स्ट इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ, केमिकल इक्वेशन आपको बनाने थे, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, तो आयरन जब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज रिमेंबर दिस विल फॉर्म Fe3O4, मिक्स्ड ऑक्साइड है बिकॉज इसमें आयरन के 2 और 3, इसको लिख सकते हैं आयरन 2-3 ऑक्साइड ऑल्सो। अब सेकेंड, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Mg, ओके ये रिएक्ट कर रहा है किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड हमेशा आप एक्वस AQ यूज करेंगे, एसिड में क्या यूज करना है AQ, देन दिस फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज सॉलिड प्लस यू हैव हाइड्रोजन गैस, ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हियर ऑल्सो हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन दिस हाइड्रोजन गैस विल कम आउट विथ पॉप साउंड। थर्ड, कॉपर हीटेड इन एयर, कॉपर दिस इज Cu, कॉपर इज सॉलिड, इसको हीट किया जा रहा है एयर में मतलब ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन इज ए गैस, तो बनता क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, दिस विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो बैलेंस यहाँ 2 ऑक्सीजन है यूज टू हीयर, और यहाँ पर भी 2 यूज कर दीजिए, MgCl2 में 2 क्लोरीन यहाँ पर है, इसके लिए 2, नाउ बैलेंस्ड। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड इज सॉलिड, ये सॉलिड। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को किस बेसिस पर बैलेंस किया जाता है, ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को किस आधार पर बैलेंस करते हैं, व्हाट इज द बेसिस फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बैलेंस का सबसे बड़ा बेसिस है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड. इट इज लॉ ऑफ केमिकल, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसको बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन. को कैसे बैलेंस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ केमिकल, ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन किस बेसिस पर बैलेंस किया जाता है? तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. On what basis is a chemical equation, is a chemical equation is balanced. तो chemical equation किस आधार पर balance किया जाता है बच्चों? It is based on law of conservation of mass. एकदम chemical equation को balance करने का जो basis है वो law of conservation of mass पर आधारित है. ओके अब एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन. क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय, एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, व्हाट इज मेंट, क्वेश्चन फाइव इज व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन. केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन से क्या आप समझ रहे हैं? व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, यहां पर व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज, वैसे रिएक्शन जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं. तो द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो इसका आंसर क्या है? द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ऐसे को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ओके रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड, सॉरी रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग, देखिए यहां पर द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. यहाँ थोड़ा ज्यादा गैपिंग हो गया है. रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज, रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. अब बच्चों रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ओके नाउ वैसे रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज हो रहे होते हैं उनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. Identify the type of reaction. Identify the type of combination reaction. Identify the type of combination reaction that take place during this process. That take place during this process. उस तरह के केमिकल इक्वेशन को बताइए जो इस प्रोसेस में हो रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड जस्टिफाई द नेम. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे. जस्टिफाई द नेम, गिव वन और मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. गिव वन और मोर एग्जाम्पल, वन और मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. इस तरह के रिएक्शन के लिए एक और एक से अधिक एग्जाम्पल दीजिए. ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है उस रिएक्शन के लिए जो होता है रेस्पिरेशन के दौरान. तो वी नो दैट रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या बनते थे, स्टार्च. इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ दैट. तो मतलब कि इसको हमको लिखना है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. आंसर हम लिख रहे हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रिएक्शन जो रेस्पिरेशन के दौरान होता है. ओके, ये फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता था और ऑक्सीजन बनता था, तो उसमें क्या इसी को पकड़ लेना है कि ये हम लोग का जो रेस्पिरेशन होगा वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तब जाके हम लोग एनर्जी रिलीज करेंगे. तो ये हो गया C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज सॉलिड स्टेट. इसका ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CO2 गैस प्लस H2O. H2O आपका लिक्विड स्टेट में है. अब प्लस व्हाट एनर्जी इज, हीट एनर्जी, दैट इज 2820 किलो जूल ऑफ एनर्जी यू विल गेट. 2820 किलो जूल ऑफ एनर्जी, 2820 किलो जूल ऑफ एनर्जी. चूंकि एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. किस तरह का रिएक्शन हुआ, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, रेस्पिरेशन. अब इसमें क्वेश्चन एक और है बच्चों, गिव वन और मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. एक एग्जाम्पल देना है. गिव वन मोर एग्जाम्पल, सॉरी वन और मोर लिख दिए थे, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन.
कार्बन और हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीडेशन अपॉन कम्बशन गिव्स कार्बन हाइड्रोकार्बन अपॉन कम्बशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हाइड्रोकार्बन दिस इज अनदर रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोकार्बन का कम्बशन भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को देते हैं और इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक. हाइड्रोकार्बन में लिखे कैसे उसको भी हम लिख देते हैं. हाइड्रोकार्बन तो यहां वन मोर रिएक्शन के एग्जांपल देने एक और रिएक्शन के एग्जांपल में कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबशन वन मोर एग्जांपल इसी का जवाब दे रहे हैं. वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेशन रिएक्शन मीथेन इथेन प्रोपेन ये सारे कंबशन पर वैसा ही करेंगे जिस तरह से ग्लूकोज जैसे CH4 इज मीथेन दिस इज गैस कॉल्ड मार्स गैस अब प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबशन कंबशन का अर्थ है कि पूर्ण दहन दैट इज इट हाइड्रोकार्बन पार्ट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर A liquid form is obtained. तो यहां पर चार हाइड्रोजन है देखिए बच्चों बैलेंस कीजिए यहां दो टू टू जा फोर नाउ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू फोर ऑक्सीजन सो टू ऑक्सीजन हियर दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑल्सो. तो ये था क्वेश्चन हमारा. तो बच्चों ये सीबीएसई हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस का क्लास टेंथ के लिए और ये चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से केवल केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पर आज हमने सवाल किया और अगला सवाल भी केमिकल रिएक्शन और अगला लेक्चर भी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से ही होगा और ये लेक्चर जो है यहीं समाप्त हो रहा है. अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.